तो लीजिए दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपके लिए लेकर आ गया एक और बेहतरीन प्रोडक्ट। और आज मेरे पास है पॉटरी व्हील। एक बहुत पहले लेके आया था, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया था। फिलहाल आज करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग, देखेंगे कि इसमें क्या दिक्कतें होती है, क्या हम वाकई में कुछ बना सकते हैं नहीं बना सकते हैं, कितनी देर चलता है, क्या क्या इसके फंक्शन है, सभी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनु और मैं यहाँ पर करता रहता हूँ टॉयज गेम्स एक्सपेरिमेंट और कई तरह के गैजेट्स की अनबॉक्सिंग। तो वीडियो प्लीज कर दीजिए लाइक और लास्ट तक जरूर देखिए। तो दोस्तों, ये है पॉटरी व्हील का बॉक्स और बहुत ज़्यादा भारी है भैया, इसके अंदर क्ले होगी। इस वजह से एक चीज़ यार, आप यहाँ पे देखिए उन्होंने क्या लिखा है, 1, 2 और 3, तीन स्टेप में बन जाएगी कि हमारी पॉटरी व्हील की डिज़ाइन। चलिए देखते हैं। फिलहाल यहाँ पे देखिए एज है 8+ और पीछे भी आपको कुछ पिक्चर्स वगैरह दिख जाएगी, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो सीधे सीधे से ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें मिली हुई है। तो ये तो मेन हमारी पॉटरी व्हील है इस पैकेट के अंदर, और यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये क्ले है जिसकी मदद से हमें ये बनाना है सब कुछ भैया। और इसके अंदर हमें कलर्स दिखाई दे रहे हैं और कुछ स्पैचुलो वगैरह भी हैं, और एक ट्रे है कलर को मिक्स करने के लिए, और ये है हमारी इंस्ट्रक्शन मैनुअल कैसे हमें इस पॉटरी व्हील से जो है ना डिफरेंट डिज़ाइन बनाने हैं। फिलहाल जल्दी से सेटअप करते हैं इस पॉटरी व्हील को और बनाते हैं कुछ बेहतरीन डिज़ाइन।
तो दोस्तों यार आज काफी मजा है इस पॉटरी व्हील को यूज करके। कुछ चीजें यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा जो आपके बहुत काम आने वाली है। सबसे पहली चीज, जब इसका आप आटा गूंथते हो ना, मतलब ये मिट्टी गूंथते हो, तो ध्यान से गूंदना और उसमें पानी कम कम डालना, क्योंकि एक बार पानी ज्यादा हो गया तो सारी मिट्टी प्लेट जो है वहीं हो जाएगी। दूसरी चीज, यहाँ पे एक नॉब आप देख रहे होंगे, स्लो और फास्ट, एक्चुअली उसमें जो है ना इतना स्लो होता नहीं है, तो आपको एक हाथ से हल्का सा दबाना है स्लो करने के लिए, तब इसको हल्के हल्के शेप देना है, तब जाके आपका ये बिल्कुल बढ़िया बनेगा। तीसरी चीज, शुरू में सारी मिट्टी यहाँ पे नहीं डालनी है, थोड़ी सी यूज करनी है, क्योंकि अगर वो खराब हो गया तो आपके पास कम से कम आगे बची रहेगी, नहीं तो उसी में आप पानी वगैरह मिला दोगे। एक और चीज, जब भी आप इसे यूज करो, थोड़ा कोकोनट ऑयल हाथ में लगा लेना, उससे क्या होगा, ज्यादा चिपचिपनी होगी और आपको बनाने में थोड़ी आसानी होगी। और फाइनल टिप यहाँ पे मैं दूंगा, जब आपके डिजाइन बन जाता है तो धागे से जब इसे आप कट करते हो ना, तो तुरंत उठा के नहीं रखना है भैया, इसे आप धागे से इसी के ऊपर कट करिए और इसे आप रख देना 4-5 घंटे के लिए। 4-5 घंटे के बाद एक बार फिर से वो धागा हल्का सा मारना है और फिर आपको ये उठा के रख देना है। हो सकता है कि आपको धागा दोबारा मारने की ज़रूरत भी ना पड़े, बट अगर आप धागा मारते ही इसको ड्राई साइड में रख दोगे तो ये मुड़ेगा तोड़ेगा, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे अगर ओवरऑल बात की जाए इस पॉटरी व्हील की, तो यार मुझे काफ़ी अच्छा लगा। 1200 के अंदर काफ़ी अच्छा किट है, यहाँ पे मशीन बढ़िया है, चीज़ें भी ठीक ठाक बन जाती है। बस यहाँ पे मुझे एक ही चीज़ की दिक्कत लगी कि इसका जो नॉब है ना स्लो स्पीड का, ये अगर थोड़ा सा उसमें होता, डिमर टाइप में होता, जहाँ पे हम वोल्टेज को और कम कर सकते थे, स्पीड को और कम कर सकते हो, तो काफ़ी मज़ा आता। लर्निंग के हिसाब से भी काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे आपने देखा होगा कि हम जो है शेप वगैरह डिज़ाइन वगैरह बनाते हैं, तो आपके जो अंदर की क्रिएटिव इमेजिनेशन है उसको यहाँ पे आप एक आकार दे सकते हो और उससे जूझते हुए, फन करते हुए इस पॉटरी व्हील के साथ में मजे कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करके जाना, और अगर आप चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।